भाजपा विधायक दल के नेता और राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बढ़ती उग्रवादी घटनाओं पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि उग्रवादियों ने भारतीय अभियान शुरू किया है, यह चिंता का विषय है। इस बार भी मैंने अखबार में देखा है, राज्य की भयावह स्थिति है। मैं कहूंगा कि सरकार इस दिशा में शिथिल है, सरकार की गंभीरता नहीं दिखाई पड़ रही है। उग्रवादियों को लग रहा है कि सरकार हमारी है, हम कुछ भी करेंगे तो सरकार कुछ नहीं करेगी। क्या वो उग्रवादी ने भारतीय अभियान चलाया है? अब यह और ही खतरनाक स्थिति है। पूर्व के दिनों को याद करें तो गांव से बच्चों को जबरदस्ती उठा करके लोग ले जा रहे थे। इस बार भी जो मैंने अखबार में देखा कि पहले तो भर्ती अभियान लोग चला रहे, अगर उसमें लोग नहीं भर्ती होंगे स्वेच्छा से तो फिर जोर जबरदस्ती गांव से लोगों को उठा करके लोग ले जाएंगे। तो ये राज्य की बड़ा भयावह स्थिति है। और मैं कहूँगा कि भाई सरकार इस दिशा में बिल्कुल शिथिल लग रही है, सरकार की कोई सक्रियता या गंभीरता कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। मानो ऐसा लगता है कि उग्रवादियों को लगता है कि शायद सरकार हमारी है, हम जो भी कुछ करेंगे तो सरकार हमारे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। तो ये घातक स्थिति होगी अगर इस प्रकार की कोई बातें हों। और इसलिए हम सरकार से ये चाहेंगे कि सरकार को बिना विलंब किए इस पर लगाम लगानी चाहिए, और जो इस प्रकार से विकास के कामों में जो बाधक बने हुए हैं, जो लोग इस प्रकार से भर्ती अभियान चला रहे हैं, उसको तत्काल सरकार को रोकना चाहिए। श्री मरांडी ने कहा है कि हम सरकार से मांग करते हैं कि नक्सली घटनाएं और विकास के काम में बाधक बनने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, राज्य में भय मुक्त माहौल बने, उग्रवाद की तरफ लोग नहीं जाएं। सरकार के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। अलग झारखंड राज्य बना था उस समय कानून व्यवस्था भय का माहौल था, दुकान जल्दी बंद हो जाती थी, लोग घरों में जल दुबक जाते थे, ऐसा 20 वर्ष पहले का माहौल था। हम आज से जब 20 साल पहले अलग झारखंड राज्य बना था तो उस वक्त इस प्रदेश के अंदर में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी, भय का माहौल था, यानी दुकानें लोग जल्दी बंद कर देते थे, घर में भी लोग अंदर से लॉक्ड करके लोग सोते थे। हमें याद है उस समय काके के घर में हम गए थे, वो भी डॉक्टर के घर में, तो बड़ी दरवाज़ा खटखटा करके फिर तब खोला गया, फिर जब अंदर हम लोग गए तो फिर दरवाज़ा को बंद किया गया। दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हैं? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए दो गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा, और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ क्या समझे? शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवा। स्वच्छता को आदत बनाना है। Wanna see something hot? क्या तुम्हारे ठुमके में है मेरे वाला दम? जोश पर आए, अपना ठुमका लगा दुनिया हिला चैलेंज अपलोड करें और हर हफ्ते जीतें 25 लाख तक के इनाम।